करनाल का एक घर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। आप इस घर को देखेंगे तो एक ही सवाल आपके जहन में जरूर आएगा, ये घर है या गार्डन। दरअसल इस घर के कोने कोने में पौधे लगे हुए हैं, जहां नजर जाएगी आपकी सिर्फ वहां आपको रंग बिरंगे फूल नजर आएंगे। आप भी इस अनोखे घर का दीदार कर लीजिए। आंगन में पौधों की बहार। छत पर रंग बिरंगे फूलों की सौगंध। घर के हर कोने में सिर्फ पौधे ही पौधे। करनाल में एक घर ऐसा भी। पहली नजर में लगता है कि ये किसी गार्डन की तस्वीर है, लेकिन ये कोई गार्डन नहीं बल्कि करनाल के रहने वाले रामनिवास के सपनों का आशियाना है। यहाँ फूलों की सुगंध भी है, आंखों को सुकून देने वाली खूबसूरत हरियाली भी है, छत पर हरी घास भी है तो रंग बिरंगे फूलों का मनमोहक नजारा भी है। इस अनोखे घर में जहाँ नजर डालेंगे वहाँ आपको अलग अलग रंग और किस्म के फूल और पौधे ही नजर आएंगे। फूलों और पौधों का ये कारवां 8 गमलों से शुरू हुआ था, लेकिन आज इस छत वाले बगीचे में 5,000 से ज्यादा अलग अलग किस्म के फूल और पौधे हैं। जगह पक्की थी, जगह कच्ची थी नहीं, कहाँ लगाए, तो 8 गमले में लेकर के आया, 8 गमले मात्र 97 में, और उन 8 गमलों से आज जो है मेरे पास 5,000 प्लस। ये घर इतना मशहूर हो चुका है कि लोग इसे देखने दूर दूर से आते हैं। लोग सुबह शाम यहाँ पर आकर प्रकृति की सुंदरता को अनुभव करते हैं। जो भी यहाँ पर आता है प्रकृति से जुड़ने का संकल्प लेकर जाता है। अभी देखो हैदराबाद से टिकट कराया उन्होंने, परसों तरसों में आ रहे हैं 2 दिन के लिए, तो हैदराबाद से जैसे देखा वहाँ से हैदराबाद से टिकट कटा के इंडिया के कोने कोने से पहुँच जाते हैं, और अपने लोकल वाले हैं तो वो तो लगा ही रहता, देख ही रहे हैं आप, विजिटर्स विजिट कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि किसी के लिए बंद नहीं है, आइए फोटोग्राफ कराओ देखो। मेनली क्या करना है, लोगों को मोटिवेट करना है कि प्रकृति की तरफ मुड़ें जाएं, तभी हमारी ये पृथ्वी बच पाएगी, हम स्वस्थ रह पाएंगे। घर की छत बगीचे में तब्दील हो चुकी है। घर का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां आपको पौधे खिलखिलाते नजर ना आए। इसके कई फायदे हैं। घर का वातावरण शुद्ध रहता है, हरियाली की वजह से साफ सुथरी हवा भी मिलती है। कमलदीप, करनाल, गुड न्यूज़ टुडे।